सौ नवीन के घर के नीचे से पैकेट उठाने के 15-20 मिनट में ही मर गया ये। हाँ, तो पैकेट से सारी की सारी सिगरेट तो नहीं पी होगी इसने। मेरे ख्याल से इसने एक ही सिगरेट पी है, उसी से मर गया ये। तो फिर सब बाकी पैकेट गया कहाँ? फेंका तो नहीं होगा इसने, डेफिनेटली। तो फिर दे दिया किसी को? हाँ, दे दिया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें कोई लाश मिलने वाली है। सर, ये आदमी भी उसी जहर से मरा है जिस जहर से वो पहले वाला आदमी मरा था। वही एक्सोनिया? यस सर। एक्सोनिया एक बहुत ही डेडली नर्व पॉइजन है, और जैसे ये नर्व सिस्टम के अंदर जाता है तो पहले तो ऐसे लगता है जैसे कि आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है, और फिर अचानक वो आदमी मर जाता है। डॉक्टर वागले, आपको और कुछ मिला है इसके पेट वगैरह में से? जी सर, इसके पेट में इडली और कॉफी मिली है, ठीक तरह से पची नहीं है, शायद मौत के आधे घंटे पहले खाया होगा। यह हमें करीब 2:30 बजे मिला रात को। इतनी रात को कहां से मिली होगी इसे इडली और कॉफी? क्या मालूम, ये मैं कैसे बता सकती हूँ। इस आदमी की जेब में से हमें एक पैसा भी नहीं मिला है, और जिस तरह से रात को सड़क पे घूम रहा था इधर उधर सामान उठाते हुए, उससे तो नहीं लगता कि इसके पास कुछ पैसे होंगे, और जो होंगे भी तो उड़ा दिए होंगे ड्रग्स पर। मगर सर, इसने इडली और कॉफी कहीं से तो खरीदी होगी, क्योंकि जब से इसने वो सिगरेट का पैकेट उठाया है तब से ये सड़क पे ही घूम रहा है। तब तो इसने इडली कॉफी के बदले वो सिगरेट का पैकेट बेच दिया है। मतलब अब वो पैकेट उस आदमी के पास है जिसने इडली और कॉफी से बेचे हैं? हाँ, और अगर वो भी सिगरेट पीने वाला हुआ तो वो भी मरेगा। तुम लोग जल्दी से जल्दी जाके सड़क पे उस आदमी को ढूंढो। अगर उसने सिगरेट के पैकेट के बदले में इडली ली है तो सड़क पे से ही किसी से ली होगी। अरे भाई सुनो, तुम्हें मालूम है इस एरिया में रात को वो इडली कॉफी वाला कहाँ बैठा? इडली कॉफी वाला? हाँ, वो साइकिल वाला। हाँ भाई, भाई वो तो आगे के चौक पे होता है। आगे के चौक पे? चलो दिखाओ काम। तुम जाओ, देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाँ, पुलिस। यहाँ करीब 1.5-2 घंटे पहले कोई आदमी पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए आया था यहाँ पे। पीले रंग की टी शर्ट? हाँ, उसने इडली कॉफी ली है तुम्हारे से। अरे सर, मैं इडली और कॉफी रखता ही नहीं, मेरे पास सिर्फ वड़ा पाव और चाय है। वड़ा पाव? वो आदमी तुम्हारे पास नहीं आया था? नहीं। ऐसे एकदम से नहीं कैसे बोल रहा? हाँ, उसने तुम्हें एक सिगरेट का पैकेट दिया है। सिगरेट का पैकेट? हाँ, वो आया था, वो मुझे सिगरेट बेचने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने उसे भगा दिया। अरे साहब, मैं सिगरेट रखता ही नहीं, तो खरीद लूँ क्यों? तो फिर कौन रखता है? ओ, आगे वाले चौक पे नंदू है ना, वो रखता है, उसके पास इडली और कॉफी भी है। अरे जल्दी जल्दी बोल रहा, क्या क्या चाहिए मेरे को जाने का, नींद आई है मुझे यार, बोलो। अरे रुकना 5 मिनट, तेरे को गर्मा गर्म कॉफी पिलाता हूँ, अभी तेरी सारी नींद भाग जाए। अरे रहने दे, मुझे सोने का अभी जाके, तुमको तो रात भर जागने का ना, और इतनी लेट क्यों आया तू? तेरे को तो मालूम है ना जाने का टाइम हो गया मेरा। अरे रुक ना यार, तो कॉफी पिला। ओ भाई साहब, क्या आपके पास फायर लाइट सिगरेट का पैकेट है? क्या फायर लाइट सिगरेट? अरे कहाँ रात को सिगरेट ढूंढने निकले हो? ओ भाई, फायर लाइट सिगरेट मैं नहीं रखता हूँ, बहुत महंगा सिगरेट है। कोई बात नहीं, मेरे पास है साहब। आपके पास है? हाँ है। हाँ तो लीजिए। हाँ, लेकिन पूरा पैकेट नहीं है साहब, 4-5 सिगरेट कम है। कोई बात नहीं, चलेगा। कितना हुआ? 50 रुपए। थैंक यू। संध्या, जिस सिगरेट से मैं मरने वाला था वो सिगरेट तुमने ही मुझे दी थी, उस पैकेट से निकालकर तुम्हें पता था उस सिगरेट में जहर है। सर, वो पैकेट भी इन्होंने ही बाहर फेंका था विंडो से, सारा सबूत मिटा दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर घर में सिगरेट नवीन ने पी ही नहीं, पैकेट घर में खुला ही नहीं, पैकेट तो डिस्को में खुला था। डिस्को में? ये क्या नया चक्कर है? हाँ, वो हम लोग डिस्को गए थे रेस्टोरेंट में जाने से पहले। ओ, तो पैकेट वहां पे खुला? पैकेट कहाँ खुला था? स्ट्रेंज,
कुछ याद ही नहीं आ रहा है। वहाँ टेबल पर 7-8 दोस्त बैठे हुए थे और पैकेट खुला पड़ा था। तुमने डिस्को में जाने से पहले एक भी सिगरेट नहीं पी? नहीं। इसका मतलब है सर, जो भी हुआ है डिस्को में ही हुआ है। चलो डिस्को में चलते हैं। सर इतनी भीड़ में कैसे ढूंढेंगे कि जहर किसने मिलाया है? पहले उनसे शुरुआत करते हैं जो इनके साथ बैठे थे। क्या तुम इस भीड़ में उनको ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे साथ यहाँ बैठे थे? सोचना पड़ेगा कौन कौन हमारे साथ बैठे थे। क्या सोचना पड़ेगा कौन कौन हमारे साथ बैठे थे? जल्दी करो जल्दी करो, मौत सिगरेट पैकेट में घूम रही है। अरे सुनो भाई, करीब 1.5-2 घंटे पहले किसी ने सिगरेट बेची है तुम्हें? मुझे? हाँ, उसने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। हाँ साहब, बेची है। बेची? हाँ साहब, वो क्या था कि भूखा बहुत था वो, तो मैंने उसको साहब इडली और कॉफी दी। कोई गलती की साहब मैंने? नहीं, वो पैकेट का है। वो पैकेट? हाँ वो पैकेट, उसमें जहर है। जहर? हाँ वो तो मैंने बेच दिया साहब। सारी सिगरेट बेची? हाँ साहब, वो पैकेट खुला हुआ था साहब, आधे से ज्यादा सिगरेट थी। कोई लाल रंग की गाड़ी में आया था साहब, उसको दे दिया। कौन था वो? हाँ वो एक लड़का और एक लड़की थे साहब। किस तरफ गए? वो इधर इधर ही गए साहब, आगे इस तरफ मरवा दिया। अरे क्यों बेच दी पैकेट तुमने उसको बेवकूफ? हाँ किसको ढूंढेंगे अभी? चलो ऐसे काम नहीं चलेगा। सुधाकर सर, म्यूजिक बंद करो और लाइट्स ऑन करो। ओके सर। जल्दी सुनो सब लोग, बातें बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुन लो। यहां एक गुनाह हुआ है, क्राइम हुआ है यहां पे, और तुम लोगों में से किसी ने किया है वो, समझे? सब लोग यहां लाइन से खड़े हो जाओ। लड़कियां इस तरफ, लड़के इस तरफ। सुधाकर चेक करो। अच्छा लड़कियों को चेक करो और देखो गेट बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। एक लाइन में आइए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आइए मैडम, इस तरफ आइए। मैडम आइए, यहाँ लाइन में प्लीज, यहाँ पे सीधे खड़े रहिए। अभी जरा प्लीज, सॉरी पर्स वर्स लाइए, टर्न हो जाइए। क्या हो गया? क्या कर रहा है यार, हमें क्यों फंसा रहा है? मैं नहीं फंसा रहा हूँ। तो फिर ये क्या है यार? ये एक्सक्यूज मी सर, सर कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं? नहीं सर। नो सर, नथिंग। ठीक है, तुम बाथरूम और टॉयलेट चेक करो, जाओ। अच्छा तुम लोग कहाँ बैठे थे? हम लोग यहाँ यहाँ बैठे थे। हम लोग यहाँ तुम्हारे साथ और कौन कौन बैठे थे? यहाँ पर एक तो ये दोनों थे। तू क्या कर रहा है यार? सब ये दोनों थे। अच्छा ठीक है, और कौन कौन? और जाओ जल्दी जाके बुला के लेके आओ। अच्छा जाओ इनके साथ। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी इसलिए पहले हम दोनों डांस करने चले गए। अच्छा जब तुम डांस कर रही थी तो ये लोग यहीं पे बैठे थे? हाँ यहीं पर बैठे थे। यहीं पे बैठे थे मतलब गड़बड़ यहीं पे हुई है। सर हमने कुछ सिगरेट का पैकेट भी यहीं पे था। हाँ आ जाओ बाजू में आ जाओ। जब तुम डांस कर रही थी आप चलिए वहां पे। Yeah!
बाथरूम में ये सिरिंज मिली है। माय गॉड, अगर इसमें जहर मिला ना तो तुम सब लोग गए काम से, समझे? हाँ दया, पैकेट मिल गया है। अरे यहां वो आदमी भी मिल गया है और एक सिरिंज भी मिली है। हाँ, वो पैकेट संभाल के फॉरेंसिक लैब में लेके आओ। सर बहुत कोशिश की किसी की मौत ना हो, मगर 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 क्या? मगर सर एक मौत हो ही गई है। क्या? ये बात तुमने मुझे फोन पर नहीं बताई? सर वो पैकेट तो हाथ में आ ही गया था, मैंने सोचा कि एक सिगरेट की वजह से कितने सारे लोग मारे गए। तुमने से किसी ने अगर ये किया है तो उसे फांसी पर चढ़वाए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सर आप, हमने कुछ नहीं किया सर। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पैकेट्स पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? 15 फिंगरप्रिंट्स हैं। 10-12 लोगों ने इस पैकेट को हाथ लगाया। देखिए, ये 15 फिंगरप्रिंट्स किस किस के पता लगाना जरा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन मैंने ये सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग छांट कर रखे हैं। देखिए, ये 15 के 15 चांस प्रिंट्स मैंने कंप्यूटर में डाल दिए हैं। अब आप इन लोगों को एक एक करके बुलाइए और इस ग्लास पर अपना हाथ लगाने को कहिए। इस ग्लास पर? हाँ, ये एक स्किन सेंसिटिव ग्लास है, इस पे से फिंगरप्रिंट सीधा कंप्यूटर में आ जाता है। यहाँ तो अब हर रोज एक नई चीज देखने को मिल रही है, इससे कुछ फायदा भी होता है या नहीं? आप अपने सस्पेक्ट्स को बुलाए तो सही। अब आइए, आइए। मैं फिर कह रहा हूँ सब, यहाँ हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। हाँ लगाइए हाथ। मैडम, मैडम लगाइए। मैंने कहा था ना सर, मैंने ये नहीं किया। मैं क्यों करूंगा ये सब काम? ये काम इस परदेसी ने किया है। ये सिगरेट का पैकेट उठाकर टॉयलेट में गया था और लाकर वापस रख दिया। तूने मेरा नाम क्यों ले दिया यार? तेरे ही क्या, सबका नंबर आने वाला है। परदेसी, तुम आओ यहाँ, हाथ लगाओ यहाँ। चलिए लगाइए हाथ। भगवान ऐसे दोस्त सबको दे जो दोस्तों को मुसीबत में गड्ढे में धकेल देते। चुपचाप हाथ लगाओ। ये भी नहीं। मुझे पता है किसने किया। किसने? इसने। मैंने? अरे तुम तो मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानती हो, फिर भी ये बातें कह रही हो। अरे हम तो अच्छे दोस्त रह चुके हैं। तुम्हें कैसे मालूम कि इसने किया? ये जलता है नवीन से। नवीन से शादी कर ले इसीलिए जलता है। अरे इसने जलन की वजह से नवीन का खून करने की कोशिश की। ये थप्पड़ मैं भूलूंगा नहीं जिंदगी भर। तुम्हें पहले से मालूम था ना इसने किया? हाँ। तो अभी तक चुप क्यों रही तुम? सर जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर ये बोलेंगे क्या? तुम यहाँ। सर मैंने यहाँ पर आओ। सर आप तुम कम से कम मुझे तो बता सकती थी कि तुमसे प्यार करता है। मैं अपने मुंह से कैसे बता सकती हूँ? आप प्लीज वहाँ खड़े हो जाओ। लेकिन सर मैं ग्लास पे हाथ लगाओ। लगाओ।
नहीं, ये भी नहीं। अब तो सिर्फ दो ही लोग बचे हैं। कौन दो? एक ये मैं और दूसरा? दूसरी ये। क्या? मैं? आपकी वाइफ। अब असली कहानी क्या है बता दीजिए। असली कहानी तो आप लोगों के सामने है, वो सिगरेट का पैकेट। सिगरेट का पैकेट? हाँ चलो चलो, आप भी चलो। सर चलो। सर मैं चलो हाथ लगाओ, ग्लास को हाथ लगाओ, लगाओ। मैंने गलती से हाथ लगा दिया होगा पैकेट पर। सच बोलने से पाप नहीं लगता है। छोड़ो ये पाप बाप, तुम लोग दिन रात झूठ बोलते हो। सच बोलने से पेट में दर्द भी नहीं होता। तुम डिटेक्टिव हो या डॉक्टर? सच का डॉक्टर। मैं संध्या से बहुत प्यार करता था और इसने नवीन से शादी कर ली। नवीन के सामने हार गया। संध्या ने भी मुझे कभी घास नहीं डाली। अब सिर्फ एक ही तरीका था नवीन को अपने रास्ते से हटाने का, उसकी मौत। वो जहर का आइडिया कहां से मिला था? मैं जहर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तभी मुझे उस जहर के बारे में पता चला। तीन तीन खून का मुकदमा चलेगा तुम्हारे ऊपर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।